बच्चों, अभी तक हमने कक्षा 10वीं का हिंदी पद साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल का काल विभाजन में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद की विशेषताएं और उनके प्रमुख कवियों को पढ़ा। आज हम इसके आगे रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का अध्ययन करेंगे। रहस्यवाद। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना बहुत कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य किया गया है। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। कण कण में परमात्मा के होने का आभास ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जहाँ कविता इस अनंत परमत्व और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है, वहाँ रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि माना है। बाबू गुलाब राय ने प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। हिंदी काव्य में छायावादी प्रवृत्ति के जन्म के बहुत पहले कवि जायसी, मीरा आदि के रहस्यवाद अपनी पूर्ण गरिमा के साथ विद्यमान है। काव्य में जहाँ भी आत्मा के परमात्मा से मिलकर एक होने की स्थिति की अभिव्यक्ति है, वहीं रहस्यवाद है। आधुनिक काल की कविता में रहस्यवाद छायावाद की कविता का एक अंश है। पंत, निराला, प्रसाद तथा महादेवी वर्मा की बहुत सी रचनाओं में रहस्यवाद है, किंतु पूर्ण रचना रहस्यवादी नहीं है। आधुनिक हिंदी कविता में रहस्यवाद का उद्भव और विकास छायावाद के युग में हुआ। छायावादी कविता के समापन तक रहस्यवादी कविताएं भी लुप्त हो गईं। अब है रहस्यवाद की विशेषताएं। अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की विशेष की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। दूसरा, परमात्मा से विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरह मानते हुए उससे विरह व मिलने के भाव व्यक्त किए गए हैं। तीसरा, जिज्ञासा की भावना। सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। चौथा, प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से भाव को अभिव्यक्त करने का प्रयोग रहस्यवाद में भरपूर किया गया। अब आते हैं छायावाद और रहस्यवाद में अंतर क्या है। छायावाद, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है और रहस्यवाद, इसमें चिंतन की प्रधानता है। छायावाद भावना की प्रधानता को दर्शाता है तो रहस्यवाद ज्ञान व बुद्धि की प्रधानता दर्शाता है। छायावाद प्रकृति मूलक है और रहस्यवाद प्रकृति दार्शनिक है। अब आते हैं उत्तर छायावाद। इस काल में प्रेम और रोमांस की एक कविता धारा चली थी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरि कृष्ण प्रेमी आदि प्रमुख हैं। इनमें एक सीमित क्षेत्र में अनुभूति व्यक्त की गई। इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं चली। इन कवियों के काव्य में श्रृंगार, यौवन तथा प्रकृति का चित्रण बहुत मात्रा में मिलता है। इनके काव्य में छायावाद के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। जहाँ छायावादी काव्य धारा की त्रय प्रसाद, पंत्र और निराला के रूप में मानी जाती है,
वहीं उत्तर छायावादी काव्य धारा की त्रयी बच्चन, सुमन और अंचल के रूप में जानी जाती है। अब आते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद भौतिक जीवन में उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। सामाजिक चेतना और भावबोध काव्य का लक्षण है। प्रगतिवादी काव्य में समाजवादी विचारधारा का साम्यवादी स्वर महत्वपूर्ण रहा। राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक प्रगतिवादी साहित्यकार आर्थिक विषमता को ही वर्तमान दुख एवं अशांति का कारण मानता है। आर्थिक विषमता के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीपति वर्ग अथवा शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग या सर्वहारा वर्ग। प्रगतिवाद अर्थ अवसर और संसाधनों के समान वितरण द्वारा ही समाज की उन्नति में विश्वास रखता है। सर्वहारा या सामान्य जन की प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रम की गरिमा को प्रतिष्ठित करना और साहित्य के प्रत्येक समाज के सुख और दुख का चित्रण प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य है। यह काव्य धारा शोषक वर्ग की भत्सरना और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। उपयोगितावाद और भौतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण यह काव्य नैतिकता एवं भावुकता की अपेक्षा बुद्धि और विवेक पर विश्वास अधिक ज्यादा करता है। इस काव्य धारा कला की अपेक्षा जीवन को, अभिव्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वानुभाति की अपेक्षा सर्वानुभाति को प्रधानता देती है। प्रगतिवादी चेतना के भी छायावाद में ही पल्लवित होने लगे थे, किंतु तीसरे और चौथे दशक में प्रगतिशील आंदोलन ने काव्य को सामाजिकता की ओर उन्मुख किया। यथार्थ में संप्रकृति, जनजीवन से संलग्नता, मानवीय समस्याओं से सीधे साक्षात्कार, शोषितों के प्रति सहानुभूति काव्य के मूल विषय बन गए। अभी तक किसान वर्ग के प्रति सहानुभूति काव्य में स्थान पाती थी। प्रगतिवाद ने मजदूरों को भी इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। अब आते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह व्यक्त किया है। दूसरा, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक और सामाजिकता समानता पर बल देते हुए निम्न और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, किंतु उसे सम्मानजनक स्थान दिया। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु इन्होंने भी बहुत प्रयास किए। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को बहुत अधिक महत्व देते थे। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि समस्याओं को अभिव्यक्ति पर बल दिया। प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल दिया। प्रगतिवादी कवियों ने श्रम की महत्वता का प्रतिपादन करते हुए
भाग्यवाद को पूंजीवादी शोषण का हथियार बताया गया। अब आते हैं प्रगतिवादी प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं। पहला कवि नागार्जुन, इनकी रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। कवि शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं हैं युगवाणी और ग्राम्या। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता। अब आते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का परिचय इस तरह है, हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जा सकता है। इसकी भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञेय ने संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसमें प्रयोगवाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को केवल कला के लिए ही मानता है। अहम का विसर्जन तथा साहित्य का समाजीकरण इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र इनका अहम है। इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट होता है। जीवन की विभिन्न कुंठाओं में प्रयोगवादी कविता को शंकाकुल तथा भयाकुल बना दिया। कवि बहुत कुछ कहना चाहता है परंतु कुछ कर नहीं पाता। जीवन की यह घुटन इस वर्ग की कविताओं में व्याप्त है। इन कविताओं ने नए उपमान, नया छंद विधान गढ़ने तथा नए शब्दों का प्रयोग करने में और नए अर्थ भरने के प्रयोग भी बहुत ज़्यादा किए। प्रयोगवादी कवि काव्य की विशेषता है, नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने तथा प्रचलित उपमानों के स्थान पर नए नए उपमानों का प्रयोग किया। वे मानते हैं कि काव्य में पुराने उपमान अब बासी पड़ गए। प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया। बुद्धिवाद की प्रधानता, इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी। इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता भी आ गई। निराशावाद की प्रधानता, प्रयोगवादी कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथा तत्व रूप में वर्णन किया है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, इस काल के कवियों ने मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा उसे कविता का नया विषय बना दिया। अहम की प्रधानता, फ्रायड ने मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर हुआ। इन कवियों ने रूढ़ी मुक्त जीवन समाज की स्थापना पर बल दिया। प्रमुख प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अज्ञेय की रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कवि धर्म भीर भारती, अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, कवि नरेश मेहता, संशय की एक रात, वन पाखे सुनो, कवि गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, शिलप, पंख चमकीले, नाश और निर्माण, कवि भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना ओ अप्रस्तुत मन।